इस कार्यक्रम के पुण्याजक हैं आगम धारा परिवार, विवृद्ध शोभम प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। लय में पढ़ते हैं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम्, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम्, प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। अब मंद गति से देखते हैं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम्, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम्, प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। तव त्रिजगतः परमेश्वरत्वं प्रख्यापयत्। छत्रत्रयं विभाति, आप तीन जगत के परमेश्वर हैं, तो आपके त्रिजगत विषयक परमेश्वर पने को प्रख्यापित करने वाला तीन छत्र प्रातिहार्य विभाति अत्यंत भाता है, अत्यंत शोभित होता है। कैसा है वह छत्रत्रय? शशांक कांत, चंद्रमा जैसा मनोहर है। तो चंद्रमा जैसा जो पदार्थ मनोहर होगा वो सफ़ेद रंग का ही हो सकता है, लाल रंग का तो नहीं हो सकता, पीले रंग का भी नहीं हो सकता। शशांक कांत कह रहे हैं तो चंद्रमा जैसा सुंदर है, श्वेत वर्ण वाला है। और कैसा है? उच्चैः स्थितम्, ऊंचाई पर है वो, एकदम सिर के पास नहीं है, सिर के अधिक निकट होने से वो टोपी जैसा लगता है दूर से देखने वालों को, तो ऊंचाई पर है, एक व्यवस्थित ऊंचाई पर। अब ऊंचाई का अर्थ ऐसा नहीं है कि भगवान यहाँ पर है और फिर वो एकदम ऊपर एक छत्र कहीं दूर दिख रहा है, ऐसे ऊपर उसको ऐसे करके देखना पड़ रहा है, इतना ऊंचा भी नहीं, लेकिन ऊंचाई पर है। और ऊंचाई पर होने के साथ साथ कैसा है? स्थित है, अर्थात अचल है। इस कलिकाल की बलिहारी है कि छत्र भी जंजीरों पर लटकाए जाने लगे, चेन लगे रहते हैं छत्रों पर। पता नहीं कहाँ से किसने सीखा और किसने सिखाया, अभी सिखाने वालों की भी कमी नहीं है और सीखने वालों की भी कमी नहीं है। आँख वाले बने और कान वाले बने, अगर सारे जिन भक्त आँखों वाले हों और कानों वाले हों तो फिर सारे विवाद समाप्त हो जाए। आँखों वाले का तात्पर्य ये है कि आँखों से आगम को पढ़ने के लिए राजी हो, किसी ने कुछ बोल दिया तो बस उसको मान लिया, ऐसे धर्मांध नहीं बनना। जिन शासन में धर्मांध शब्द का कोई अस्तित्व नहीं है, और अगर अस्तित्व है तो वो प्रथम गुणस्थान के रूप में है।
मिथ्या दृष्टि के रूप में है। सम्यक दृष्टि कभी धर्मांध नहीं होता। आंखें आगम हो, यानी आंखों वाला वो व्यक्ति है जो आगम को देखने के लिए राजी हो। नहीं, हमें जरूरत नहीं आगम देखने की, मत देखो कोई बात नहीं, तुम्हारा नंबर वन है गुणस्थान, टेंशन क्या लेते हो। जो आगम से कतराता हो वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? तो आंख वाले बनने का मतलब है कि आगम देखो, अंधश्रद्धालु मत बनो। और कान, कान से आगम सुनने की ताकत रखो। किसी ने कुछ कह दिया उसको मान लिया, फिर किसी ने कुछ कह दिया उसको मान लिया, फिर तीसरे ने कुछ बोल दिया उसको मान लिया, इसका नाम अनेकांत नहीं है, इसका नाम तो मिर्जापुरी लोटा है। मिर्जापुरी लोटे के नीचे वो ब्रिम वो नहीं होती, स्टैंड नहीं होता, वो ऐसा गोल लोटा होता है, इधर से धक्का मारो तो उधर हो जाता, उधर से धक्का मारो तो इधर हो जाता। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसे काम नहीं चलता। इधर मंदिर उधर मस्जिद, इधर गिरजा, चाहे जहां गिरजा, ऐसा नहीं चलता। और जितने भी नामी भक्त हुए हैं संसार में किसी भी संप्रदाय के, वो एक पर आस्था रखने वाले थे। आप छांट करके निकाल लो, नरसिंह मेहता को देख लो, मीराबाई को देख लो, हनुमान को देख लो, जितने भी भक्त शिरोमणि हुए इधर और उधर कहीं भी देख लो आप, उनकी भक्ति केंद्रित थी इसलिए सफल थी। जिनकी भक्ति बिखरी हुई होती है वो न इधर के होते हैं न उधर के। तो आप तीनों जगत के परमेश्वर हैं इस बात को प्रख्यापित करता हुआ, प्रकट करता हुआ, व्यक्त करता हुआ यह तीन छत्र प्रातिहार्य शोभित होता है। और यह तीन छत्र प्रातिहार्य शशांक कांत चंद्रमा जैसा मनोहर है, अर्थात धवल वर्ण का है। और उच्च ही स्थितम, कुछ ऊंचाई पर है, और स्थित यानि अचल है, झूलता नहीं है वो, स्थित रहता है। और कैसे स्थित रहता है? तो एक प्राचीन जिन बिंब का चित्र है, देखते हैं। वो तीन छत्र ऐसे ऊपर से नहीं लगा रहता, नीचे से उसके अंदर बीचों बीच एक डंडा जाता है और उसमें वो तीन छत्र लगे रहते हैं। नीचे वाला सबसे बड़ा होता है, बीच वाला मध्यम होता है और ऊपर वाला उससे छोटा होता है। अन्य संप्रदायों में नीचे छोटा, बीच का बड़ा और ऊपर वाला सबसे बड़ा होता है। कई जगह आप देख सकते हैं चित्रों में, वहाँ जाके मत देखना। तो ये श्रवण बेलगोल का एक चित्र है, सदियों पुराने छत्र का। उसमें पीतल धातु अथवा हो सकता अष्ट धातु उसमें समावेश किया गया है।
यदि अभी अल्प समय में मिल जाता है तो अच्छी बात है, अन्यथा फिर अपन देख सकते हैं। मठ मंदिर का चित्र है क्या? एक पुराना बिंब है, ऐसे पूरे चारों तरफ भामंडल भी बड़ा बना हुआ है और तीन छत्र तो बहुत ही अद्भुत है। चंद्रप्र भगवान के मंदिर में है। अपन समझने के लिए इतने सारे ये सब रेफरेंसेस ले लेकर के एक श्लोक का विस्तार करते हैं ताकि वो स्मृति में बैठ जाए। मिल गया क्या शोभा है? इसके मध्य में नीचे की तरफ से वो डंडा है जिस पर ये तीनों स्थित है और ये तीनों ऐसे घूम सकते हैं। छत्र का फिरना पुण्य का ठाट माना गया है और छत्र का हिलना अस्थिर शासन का प्रतीक माना गया है। छत्र हिलेंगे तो आपका शासन स्थिर नहीं रहेगा। दिख गए सबको? पूरा चित्र ऐसा है। देखो उत्साह तो बहुत है भक्तों में, पर उसको अगर सही दिशा मिल जाए आगम के माध्यम से, आगम के नाम से नहीं, आगम के माध्यम से। आगम आगम सब लोग बोल देते हैं मुंह से, आगम तीन अक्षर उच्चारित करना तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें आ ग म उसका पूरा व्यवस्थित जो आगम कह रहा है उसमें से सार निकालना है। ऐसे तीन छत्र, ये पीतल के बने इसलिए इसका कलर भी आगम अनुकूल नहीं है, ये तो स्वीकार करना ही होगा। भले वो डिज़ाइन आगम के अनुसार है लेकिन जो वर्ण है वो वर्ण तो श्वेत वर्ण ही होना आवश्यक है ना। और कैसा है छत्रत्रय? स्थगित भानु कर प्रतापम, जो सूर्य के कर यानि किरणों के प्रताप यानि गर्माहट घाम को स्थगित करने वाला है, यानि वो छत्र इतना है जिसे जो प्रतिष्ठा ग्रंथों के अध्येता है और फिर प्रतिष्ठा शास्त्री हैं, प्रतिष्ठाचार्य हैं, वो बताते हैं कि उन शास्त्रों में जो वर्णन है छत्रों का वो ऐसा है कि आप यदि ऊपर से देखो उन छत्रों को तो जो बड़ा वाला छत्र है उसकी परिधि में अर्थात सर्कमफेरेंस में भगवान की नासिका और कर्ण अंदर समा जाए, इतना बड़ा वो छत्र होता है कि ये छत्र उसके बाहर नहीं रह सकते। ये कान छत्र के बाहर नहीं जा सकते, वो उसके अंदर आ जाए। सूर्य किरणों के घाम को रोकने वाला होता है। और कैसा होता है? तो बोले मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम। मुक्ता फल का अर्थ होता है मोती। मोतियों का जो प्रकर है, समूह है, निकर प्रकर ये सब समूह के पर्यायवाची शब्द हैं। तो मोतियों का जो समूह है उनके जाल से
अब वो मोती जो होते हैं उनको बुन करके एक जाल की आकृति दी जाती है। गुजरात तरफ आप जाएंगे, सौराष्ट्र तरफ, वैसे ही गुजरात में ही अगर चले जाएं तो भी आपको कई घरों पर तोरण बंधे हुए मिलेंगे, और उन तोरणों को नायलॉन के धागे से, वो जो बीड्स हैं, जो दाने हैं, उनको पिरो करके बनाया गया है, और बहुत अलग अलग प्रकार की कलाकृतियाँ आपको उसमें देखने मिल सकती है। कई द्वारों पर अपने को देखने को मिलते, छोटे छोटे घरों में भी, और रंग बिरंगे वो दाने होते हैं उसके। तो यहाँ पर जो आचार्य महाराज वर्णन कर रहे हैं वो वैसे ही वर्णन है कि जैसे द्वारों पर तोरण बंधे रहते हैं, वैसे ही छत्र के किनारों पर मोतियों की वैसी ही संरचना होने के कारण मुक्ता फल प्रकर जाल, मोतियों के समूह का जाल होने से विवृद्ध शोभम छत्रत्रयम, जिसकी शोभा विशेष वृद्धि को प्राप्त हो चुकी है, अर्थात मोतियों के गुच्छों से वो तीन छत्र प्रातिहार्य अधिक शोभित है। तो वह तीन छत्र प्रातिहार्य भगवान के त्रिजगतः परमेश्वरत्वम, तीन जगत के परमेश्वर पने को प्रख्यापयत, प्रकट करता हुआ विभाति शोभित होता है। इस तरह काव्य का अर्थ हुआ। अब हाँ तो ठीक है ना, घाम यानी गर्माहट, सूर्य किरणों में प्रकाश भी होता है और प्रताप भी होता है। तो प्रकाश तो अपन सब जानते ही हैं, प्रताप का अर्थ है प्रकृष्ट ताप यानी गर्माहट। तो उसको अपन बोलचाल की भाषा में, हिंदी में घाम कहते हैं, संस्कृत में घर्म कहते हैं। लटका ही नहीं रहता वो, भगवान के पीछे से एक ऐसे रॉड रहता है, थोड़ा सा सिर के ऊपर से बेंड जाता है, और उसके ऊपर बीचों बीच सिर के बिल्कुल मध्य में वो ऐसे ऊपर की तरफ चला जाता है, और उसमें ये तीन छत्र लगे रहते हैं। ऊपर से लटकने का सवाल नहीं, ऊपर तो अशोक तरु है, वो जो भी है समोह शरण में तो बिना रॉड के भी रह सकता है, समोह शरण है पर रॉड तो रहेगा, मतलब पीछे से रॉड होना जरूरी नहीं है पर रॉड होगा। अब देखिए रॉड के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं ग्रंथांतर का आलंबन लेकर के। पूज्यपाद आचार्य महाराज ने क्या कहा उसको अपन देख लेते हैं। त्रिभुवन पतिता लांछन, नंदीश्वर भक्ति में एक संस्कृत श्लोक है, संस्कृत आर्या छंद है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं। त्रिभुवन पतिता लांछन मिंदुत्रय तुल्य मतुल मुक्ता जालम, छत्रत्रयं च सुबृहद वैढूर्य विकृप्त दंडमधिक मनोज्ञम। स्कंद छंद है, 12-20 12-20 मात्राएं हैं। त्रिभुवन पतिता लांछनम छत्रत्रयम, छत्रत्रय किस बात का लांछन अर्थात किस बात का चिन्ह या प्रतीक है? तो आचार्य कहते हैं त्रिभुवन पतिता, भगवान तीनों भुवन के पति अर्थात स्वामी हैं, तो उस त्रिभुवन पतिता, पतिता का अर्थ क्या है? पति पना, पतित नहीं है, पति ता तल प्रत्यय किया है। तो त्रिभुवन पतिता लांछन, तीनों जगत की पतिता का वह लांछन है, चिन्ह है। और कैसा है? इंदुत्रय तुल्यम, तीन चंद्रमा के समान है। उसकी तुलना किससे कर सकते हैं? तीन चंद्रमाओं से।
भगवान के ऊपर ऐसा लगता है, सभी तीर्थंकरों के सिर पर लगता है कि तीन चंद्रमा है, तीन चंद्रमा तुल्य है। और कैसा है? अतुल मुक्ता जालम, उन तीनों छत्रों में अतुलनीय मुक्ताओं का, मोतियों का एक जाल बना हुआ है, तोरण जैसा, जो अभी अपन भक्तामर में पढ़ के आए हैं। और कैसा है? सुबृहत, अत्यंत विशाल है। अब देखिए, छत्रत्रय की विशालता का वर्णन प्रतिष्ठा शास्त्रों में जो था वो तो हमने बताया कि नीचे का बड़ा होता है, ऊपर का थोड़ा छोटा होता है, और उसके ऊपर का और छोटा होता है। उसमें मनुष्य की नासिका का भी एक उदाहरण दिया है कि जैसे नासिका ऊपर सकरी होती है, फिर मध्य में मध्यम होती है, और नीचे चौड़ी होती है, वैसे ही तीन छत्र में ऊपर वाला छोटा होता है, बीच वाला मध्यम होता है, नीचे वाला बड़ा होता है। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी उल्लेख है कि वो छत्र इतना बड़ा होता है कि सभा भूमि में किसी के ऊपर धूप नहीं पड़ सकती, ऐसा भी वर्णन आता है। समवसरण स्तोत्र नाम का एक संस्कृत काव्य है, उसमें छत्रत्रय को सभा भूमि प्रमाण बताया है। तो ये भी एक उल्लेख है, उसको अपन और विशेष रूप से विद्वानों से और फिर बड़े आचार्य और साधुजनों से पूछ सकते हैं कि इसमें कैसा क्या तालमेल है, उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो सुबृहत, यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, सुबृहत वैडूर विकृत दंडम। यहाँ पर सुबृहत विशेषण तीन छत्र को नहीं न दे करके आचार्य रत्नों को दे रहे हैं। बड़े बड़े वो जो डंडा है ना बीच का, पूरे डंडे को छत्र स्पर्श नहीं कर रहे, डंडे के ऊपर वाले भाग को छोटा छत्र छू रहा है, बीच वाले भाग को मध्यम वाला, और नीचे वाले को बड़ा वाला। तो बीच का जो खाली भाग है डंडे का, वहां पर आचार्य लिख रहे हैं सुबृहद वैडूर विकृप्त दंडम। वो जो डंडा है वह बड़े बड़े वैडूर्य मणियों से विकृप्त है, खचित है, जड़ित है। जैसे सिंहासन में अनेक मणि रत्न लगे रहते हैं, वैसे छत्रत्रय का जो दंड होता है उसमें भी बड़े बड़े वैडूर्य मणि लगे रहते हैं। वैडूर्य मणि की एक विशेषता बतलाई पद्म पुराण ग्रंथ में कि बुझते हुए अंगारों में अगर वैडूर्य मणि को डाला जाए तो वो अंगार जगमगाने लगते हैं, प्रकाशमान हो उठते हैं। सुकौशल चरित्र के अंतर्गत ये वर्णन आता है। और अधिक मनोज्ञम, और ये मुक्ता जाल के कारण और दंड के कारण वह तीन छत्र प्रातिहार्य अधिक मनोहर लगता है। अगर मात्र तीन छत्र होते, बीच में डंडे नहीं होते, तो समवसरण में तो सब कुछ संभव था कि एक छत्र ऐसा, एक बड़े चंद्रमा जैसा बीच वाला, ऐसे तीन छत्र लग जाते हैं बिना किसी सहारे के, वहाँ क्या असंभव है। लेकिन सहारा होने के कारण शोभा बढ़ गई, उसमें मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं तो उससे वो और सुंदर लग रहा है। मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, उसकी शोभा वृद्धि को प्राप्त हो गई है। तो इस तरह इस तीन छत्र प्रातिहार्य का वर्णन है। अभी जो किन्हीं स्थानों पर पूजा के अंत में चंवर और छत्र के साथ भक्ति की जाती है, कोई आपत्ति नहीं है, शास्त्रों में थोड़ा और अधिक लिखा हुआ है। अगर अपन शास्त्रों की माने तो फिर वो गाथा भी हम आपको सुना देते हैं कि जिसमें उस प्रकार की भक्ति का उल्लेख आता है। ये भी अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि बड़ा नीचे क्यों होता है, छोटा ऊपर क्यों होता है, तीनों इक्वल क्यों नहीं होते, अथवा रिवर्स क्रम क्यों नहीं होता जैसे अन्य मतों के मंदिर में देखते हैं अपन।
कि वहाँ पर ऊपर बड़ा छत्र है, बीच में उससे छोटा है और नीचे सबसे छोटा है, ऐसा कई स्थानों पर आपको मिल सकता है। कहीं कहीं जैन मंदिरों में भी मिल जाएगा, क्योंकि आज कलिकाल में कोई कलाकारों की कमी नहीं है। अन्वेषण में थोड़ा समय लग रहा है, तो इसका एक उपाय ये भी है कि आगामी सत्र में इस गाथा को हम ढूंढ कर आपके सामने प्रस्तुत कर दें। उसका कोई परिमाण होना चाहिए, वो भी प्रतिष्ठा शास्त्रों का ही विषय होगा। नहीं कोई बात नहीं, अपन शास्त्रों की बात कर रहे हैं ना, अपन प्रतिष्ठाचार्यों की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रतिष्ठा शास्त्र की बात कर रहे हैं। और कई प्रतिष्ठाचार्य तो बता सकते हैं, एक ग्रंथ में तो लिखा है कि प्रतिष्ठाचार्य को तीसरी से आठवीं प्रतिमा धारी होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आगम धारा परिवार,